नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं पंजाब के पटियाला में, जो कि सहारा किंग मिल्किंग मशीन सिस्टम्स के नाम से है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हमारे पशुपालक भाइयों को छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मशीनों की उपलब्धता करवा देते हैं, सस्ते से सस्ते दामों में और महंगे से महंगे दामों में। आपकी चॉइस के ऊपर है, आपकी डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह की मिल्किंग मशीनें लेना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी एक खासियत और मैं बता दूं कि हमारे मार्केट में बहुत कम ही ऐसे देखने को मिलता है कि एक ही मशीन से आप गाय और भैंस दोनों की मिल्किंग कर सकते हैं। तो ये भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, एक ऐसी मशीन के बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कि एक ही मशीन से गाय और भैंसों की मिल्किंग हम आसानी से कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारियां हम इकट्ठा करने वाले हैं, क्योंकि मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं अपने पशुपालक भाइयों को बेहतर से बेहतर मिल्किंग मशीन दिखाऊँ। तो इस कारण से भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो प्लीज़, आपको यदि जानकारी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ ज़रूर इसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले अपडेट्स आपको मिले। तो आइए, मैं ऑनर से बात करता हूं, कैसे आपको उपलब्ध हो पाएगी, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, सारा का सारा चीज़ हम इस वीडियो में जानते हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर वीडियो को अंत तक। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा सर। नमस्कार जी, हम पटियाला पंजाब से हैं और हम एसके सहारा किंग मिल्किंग सिस्टम्स के नाम से मिल्किंग मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पिछले 8 सालों से, और हमारे पास सभी छोटे बड़े फार्म्स के लिए मिल्किंग मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जी। तो जानना चाहेंगे सर, कुछ मशीनों के बारे में आप बताएंगे सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादा देर न करते हुए मशीनों के बारे में ही जानेंगे। जी जी। तो मैं यहाँ पर कुछ मॉडल वगैरह देख रहा हूँ। जी जी। हाँ जी, सबसे पहले हमारा ये जो SKT सुपर नैनो मॉडल्स हैं, ये हाफ HP में है, ये 0.75 HP में। अच्छा अच्छा। इसके साथ ये हम इसमें 1 से 5 एनिमल के लिए या 10 एनिमल के लिए भी हम ये मॉडल देते हैं। अच्छा अच्छा। जिससे क्या है कि 20 लीटर की बकेट रहती है। हाँ। और ये मात्र 20,000 रुपये। अच्छा। और इसके ये इन्वर्टर ऑपरेटेड है या क्या? इलेक्ट्रिक इन्वर्टर ऑपरेटेड है। अच्छा। और इसकी हमारी खासियत क्या है कि हम जो हाफ HP का पंप देते हैं। हाँ। तो आप बाजार में देखोगे कि इससे भी छोटे पंप लगा के मशीनें दे रहे हैं, जिससे क्या है कि दूध प्रॉपर निकल नहीं पाता। जी जी। हमारी मशीन में हाफ HP का पंप रहेगा, और जिससे क्या है कि क्लस्टर भी हैवी रहता है, तो दूध प्रॉपर मतलब निकल जाता है इससे। अच्छा। उसके बाद एक और मशीन देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा। ये फिर हमने उसी को अपग्रेड किया हुआ है। अच्छा। उसमें ट्रॉली डाल के, ट्रॉली इसमें प्रॉपर 4 व्हील्स पे ट्रॉली बना रखी। अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। उसकी कीमत 20,000 है, इसकी हमने खाली 2,000 रुपए जो ट्रॉली की एक्स्ट्रा कॉस्ट है। अच्छा। वो बढ़ाई है, ये 22,000 का मॉडल है। अच्छा, ये 22,000 की मॉडल है जी। इसमें भी हाफ HP का पंप है और 20 लीटर के बकेट है। अच्छा अच्छा। उसके बाद और एक मॉडल यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके बारे में इसी को थोड़ा और अपग्रेड कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ये 10 से 15 पशुओं के लिए रहता है हमारा। अच्छा, अच्छा। इसमें हमने 0.5 HP का पंप लगाया हुआ है और 25 लीटर की बकेट दी हुई है। अच्छा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ इसका बकेट रख रखा है, ऐसा क्यों? ये हम अपनी सभी मशीनों में क्या करते हैं, 10 फुट की एक्सटेंशन पाइप देते हैं, जो वैक्यूम पाइप होती है, ये 10 फुट एक्सटेंशन देते हैं। इससे क्या है कि फार्मर को हर वक्त मशीन को साथ साथ रोड़ने की जरूरत नहीं है। जी, वो जी, चाहे जी। तो एक साइड में प्लग करके ये अपना 10 फुट ये दूर चलेगी, केन चलेगी। हाँ। और 5 फुट फिर आगे हमें ये क्लस्टर दिया हुआ है। अच्छा, कहने का भाव कि 15 फीट दूर आप अपनी केन को लेके जाके मिल्किंग कर सकते हैं। उसके बाद ये एक मशीन देख पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये हमारा SKT 2-in-1 मॉडल है, जिसमें क्या है कि 2 गाय या भैंसों का दूध एक ही बकेट में आएगा। अच्छा, एक ही बकेट में। हाँ। इसमें 40 लीटर का केन लगा हुआ है। अच्छा। और 1 HP का पंप है। अच्छा, 1 HP का पंप। 1 HP का पंप। तो क्या जितनी भी मतलब की मशीन है सब में ऑयल ऑपरेटेड है, ऑयल ही डालते हैं? सारी ऑयल। तो ऑयल मतलब कितने दिनों पर चेंज करने होते हैं? ये देखो, यहाँ पे हमने ये शीशा लगा रखा है। अच्छा, अच्छा। इसमें आधे शीशे तक हमने ऑयल फिल करना है। अच्छा अच्छा। उसके बाद 15-20 दिन बाद आप जस्ट चेक करना की ऑयल थोड़ा बहुत कम होगा तो और डाल दो, काफी टाइम चल जाते हैं। मतलब 15-20 दिन तक में एक बार चेक करना जरूरी है। चेक करना जरूरी है। उसके बाद हम ये देख पा रहे हैं सर, इस मॉडल के बारे में बताएंगे थोड़ा सा आप। ये हमारा SKT डबल बकेट ट्रॉली है। अच्छा अच्छा। जिसमें क्या है 1 HP का पंप है और 2 बकेट्स दी हुई हैं 25-25 लीटर की। अच्छा, अच्छा। इसमें भी हम एक्सटेंशन देते हैं 10-10 फुट की। अच्छा। आप 15 फुट एक कैन इधर लेके जा सकते हो तो 15 फुट दूसरा उधर चला जाता है। अच्छा। तो लगभग एक मशीन 30 फुट एरिया कवर कर लेती है। इसका प्राइस कितना होगा सर? इसकी प्राइस जो है 48। और कितने लीटर तक इसमें हम ऑयल डाल सकते हैं, कितना ऑयल? तो देखो, इसमें हमने बॉटल अलग से, क्योंकि ये बड़ी मशीन है, अलग से बॉटल लगा रखी है। इसको एक बार भर के रख दो, ये अपना काम करता रहेगी। ऑयल क्या है, रीसर्कुलेट होता रहेगा अपने। अच्छा अच्छा। जब लगे कि थोड़ा ज्यादा काला हो गया तो चेंज करना। अच्छा। उसके बाद ये मॉडल देख पा रहे हैं सर, इसके बारे में थोड़ा। ये फिक्स टाइप मॉडल है। अच्छा। जिसकी मतलब फिटिंग हो जाती है, पाइपलाइन डल जाती है पाइपलाइन द्वारा, ये और सभी फिटिंग फुटिंग करके इसका भी मतलब 48,000 सेम प्राइस। और ये इसके बारे में बताएंगे सर। ये हमारा 1 HP की ट्रॉली है, मतलब इसमें क्या है, हम एक कैन देके 25 लीटर का एक कैन देते हैं, जिनके पास 15 से 20 गाय हैं। अच्छा, वो उनके लिए सजेस्ट करते हैं हम ये मॉडल। तो
जिनके पास 15 से 20 गाय हैं उनके लिए सजेस्ट करते हैं ये मॉडल। और अगर वो फार्मर चाहता है कि और एनिमल बढ़ाना है तो इसी मशीन में हमने क्या किया हुआ है, देखो कनेक्टर लगा रखा है। अच्छा अच्छा, दोनों साइड में एक एक्स्ट्रा कनेक्टर लगा रखा है। अच्छा अच्छा, जैसे इन फ्यूचर आप एनिमल्स और बढ़ा लेते हैं तो इसी मशीन के साथ क्या है, ऐसा एक कैन और अटैच हो जाएगा, ये डबल बकेट बन जाएगी। ये क्या चीज है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे? जो ये प्रेशर कंट्रोल करता है, प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, ये ऑटोमेटिक प्रेशर जितनी हमें चाहिए होता है उस पे आके सेट हो जाता है। एक और मॉडल देख पा रहे, छोटा सा मॉडल, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? भैया मैंने बताया था इसकी 5 HP का मॉडल है जी हमारा। इसमें हमारी मशीनों की खासियत क्या है, देखो आपने पूछा नहीं, मैं बताता हूँ। हमारी मशीनों की जो खासियत है, हम क्या है अपने हर एक मशीन में ये ड्रेन वाल लगा के देते हैं स्विच, जिससे क्या है कि दूध, इन केस अगर दूध ऊपर चला भी जाए, ओवर भी हो जाए, तो ऑटोमेटिक इससे यहाँ से नीचे आ जाता है। अच्छा अच्छा, इसको नीचे करने से मतलब साफ सफाई करने में भी काफी आसान होगी। साफ से इसको टैंक खोल के साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक जो होता है उससे बाहर आ जाता है। दूसरा, ट्रांसपेरेंट ट्यूबिंग यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, कैसे ऑपरेट करते हैं अपने मशीनों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर? नॉर्मल से नॉर्मल ये प्लग लगा के जी, अच्छा अच्छा, यहाँ से ऑन करके, उसके बाद क्या करना है हमें, ये स्विच को ऊपर कर देना है। अच्छा, ये स्विच को ऊपर कर देना, स्विच को ऊपर कर देना, और ऑटोमेटिक वो मशीन अपनी मिल्किंग के लिए स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या है, थनों पे लगाने के लिए हमने इसको ऐसे फुल बना लेना इसका ऐसे। अच्छा अच्छा, फिर उल्टा कर लेते हैं, उल्टा कर लेना है ऐसे, बस एक एक करके स्विच अंदर करके। अच्छा, एक एक करके ऐसे यहाँ पे बैंड लगा के लगाना है। अच्छा, बैंड करके लगाना है ऐसे ऐसे, बैंड करके लगाना है, एक एक करके, पहले पीछे वाले फिर आगे वाले। अच्छा, बस आप देखेंगे कि दूध ऑटोमेटिक सारा दूध वाली पाइप से होके केन में आना शुरू हो जाएगा। और जब बंद करनी है, इसी स्विच को हमने नीचे करके हवा निकाल के फिर पीछे से बंद कर। अगर बाय द वे अगर खराब होता है तो क्या हम अपने से कैसे कर सकते हैं, या खराब ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा ये बताएंगे? देखो दो चीजें हैं, एक तो हमने जब मशीन बंद करनी है, अच्छा अच्छा, इसका वैक्यूम जो है जीरो पे, मतलब हवा निकाल के बंद करनी है, यहाँ पे जीरो होना चाहिए। दूसरा, जो हम बकेट देते हैं, जैसे 25 लीटर की बकेट है, इसमें आपने 20 लीटर ही दूध भरना है। अच्छा अच्छा, तो इससे क्या है मशीन की लाइफ बढ़ती है और कभी कुछ खराब नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, इनकेस अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो हमने क्या है कि वीडियोज बना रखी है मशीन की, आप देखेंगे एक बार आपको समझ आएगा, कुछ भी ऐसा इसमें है नहीं। तो अब हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, जैसे कि ऑर्डर हम आपके पास कैसे कर सकते हैं, ये चीज़। सर, ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं हम अपनी मिल्किंग मशीन की, करने के लिए बस आपको क्या है, कुछ भी हमें टोकन मनी डलवाना पड़ेगा, जैसे 4-5 हज़ार रुपये हमने टोकन मनी डलवा ली आपका। हम क्या करेंगे, आपके एड्रेस पे नियर बाय बुक कर देंगे ट्रांसपोर्ट, वहाँ जब आप रिसीव करोगे, बाकी की पेमेंट हमने तब डालनी है। अच्छा, रिसीव करने के बाद फिर? रिसीव करते वक्त डालनी है। अच्छा, रिसीव करते वक्त ही डालनी है। चलिए सर, का और आप मशीनों के साथ में क्या ऑफर दे रहे हैं हमारे कस्टमर भाइयों को, आप ये थोड़ा सा बताएंगे? हम अपनी मशीन के साथ 10 फुट की एक्सटेंशन वो देते हैं, पाइप देते हैं, हर मशीन के साथ, हर मॉडल के साथ देते हैं। 10 फुट पाइप होता है और ये 2 ब्रश सेट होता है क्लीनिंग के लिए, और ये 1 लीटर ऑयल हम एक्स्ट्रा देते हैं। ये नॉर्मल ऑयल है, आपको इजिली वहाँ से भी मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएंगे, कहीं से भी मिल जाते हैं। चलिए सर, काफी अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।